देहरादून से, जहां पर आज कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर का शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है सेंटर का शिलान्यास करेंगे और प्रधानमंत्री के सैन्य धाम के संकल्प की दिशा में बड़ी पहल की जा रही है। 42 करोड़ रुपए की लागत से कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर बनकर तैयार होगा। आपको बता दें कि राज्य के युवाओं को समुद्र में चुनौतीपूर्ण कैरियर का सुनहरा अवसर इसके बाद मिलेगा। तो राज्य के युवाओं को भी चुनौतीपूर्ण अवसर मिलेगा और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है सेंटर का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें प्रधानमंत्री के सैन्य धाम संकल्प की दिशा में ये बड़ी पहल है। 42 करोड़ रुपए की लागत से ये कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो एक चैलेंजिंग करियर जो है युवाओं के लिए रहेगा इस सेंटर की वजह से और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसका शिलान्यास करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नासिर हुसैन हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। नासिर, करीबन 42 करोड़ रुपए की लागत से ये कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर बनकर तैयार होगा, आज शिलान्यास किया जाना है, करीबन कब तक पहुंच जाएंगे सीएम वहां पर? देखिए, करीब 10 बजे का समय रखा गया है जिस वक्त ये कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर का शिलान्यास किया जाएगा और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचेंगे। और क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जो कोस्ट गार्ड डीजी कोस्ट गार्ड है उन्होंने मुलाकात की थी, उसके बाद दोनों ही लोगों के बीच चर्चा हुई और चर्चा के बाद फिर ये तय किया गया कि एक कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर यहाँ पर खोला जाए। क्योंकि जिस तरीके से सैनिक बाहुल्य क्षेत्र उत्तराखंड को माना जाता है, तमाम तरह की सेनाओं में यहाँ के लोग हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हर परिवार से कहीं ना कहीं एक सैनिक जरूर है। लेकिन जो कोस्ट गार्ड होते हैं उसमें जो संख्या है बहुत कम है और इसीलिए यहाँ पर कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर खोला जा रहा है ताकि यहाँ के युवाओं को मौका मिल सके और वो समुद्र में अपना जौहर दिखा सके। और इसीलिए इस कोस्ट गार्ड सेंटर का आज शिलान्यास किया जा रहा है। देहरादून के कुआं वाला हर्रा वाला में भर्ती सेंटर खोला जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसका शिलान्यास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नासिर हुसैन तमाम जानकारी के लिए। तो कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर का शिलान्यास आज होना है, करीबन 10 बजे का कार्यक्रम रखा गया है।